तूफान दाऊदे का बड़ा खतरा बरकरार। मद्देनजर मुंबई एयरपोर्ट को 2 बजे तक के लिए बंद किया गया। मोनोरेल भी बंद की गई, सीलिंग पर आवाजाही रुकी। मौसम विभाग ने तलते को घोषित किया बेहद खतरनाक। गोवा महाराष्ट्र और गुजरात तट से टकराएगा, 180 किलोमीटर स्पीड। भावनगर पोर्ट पर लगाया गया 8 नंबर का सिग्नल, तूफान के खतरे की भयावहता दिखाता है ये सिग्नल। महाराष्ट्र में घर छत या खंबे गिरने की कुल 550 घटनाएं। मुंबई में बांद्रा कार्टर रोड पर बड़ा पेड़ गिरा, एक घायल। वलसाड और दमन में दर्जनों गांव में अलर्ट, तेज हवा के साथ भारी बारिश। तूफान का मुंबई में खासा असर, समंदर में उठ रही ऊंची लहरें। मुंबई के निचले इलाकों में भरा पानी, दिक्कतें और बढ़ी। मुंबई में आवाजाही में आ रही है दिक्कत, लोगों की गाड़ियां खराब। मुंबई में ज्यादातर रास्ते बंद, बारिश जैसा नजारा दिख रहा है। तूफान के बड़े असर से बची मुंबई, लेकिन फिलहाल भारी बारिश से परेशानी। कांडला पोर्ट पर रेड अलर्ट, कांडला पोर्ट पर रेड अलर्ट, तेज हवाओं के बाद पोर्ट का सारा काम रोका गया। गोवा में भारी तबाही, 2 की मौत, 60% गोवा में बिजली गुल, अंदरूनी इलाकों से संपर्क कटा। मुंबई में चक्रवात ताऊते का असर, वडाले में तेज हवाएं, कई जगह पेड़ गिरे। रत्नागिरी में लोगों को भारी दिक्कत के चल तेज हवाएं लगातार जारी। दक्षिण और पश्चिम राज्यों में बढ़ा तूफान ताऊते का खतरा, जोरदार आंधी और बारिश। गोवा में तूफान की वजह से करीब 500 पेड़ है, रास्ते जाम होने से परेशानी। सुबह 7 बजे जारी की गई थी चेतावनी, मुंबई, ठाणे, रायगढ़, पालघर और रत्नागिरी में चलेंगी तेज हवाएं। ताऊते तूफान की वजह से गुजरात के तटीय इलाकों में आज भी भारी बारिश की आशंका। आपदा से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 50 टीमें तैनात। पणजी में तूफान का दिखा असर, समंदर में उठी ऊंची लहरें। मुंबई में भारी बारिश का दिखा असर, महालक्ष्मी इलाके में जलभराव, पेड़ गिरे। चक्रवाती तूफान ताऊते पर सरकार की नजर, महाराष्ट्र और गुजरात के मुख्यमंत्रियों से गृहमंत्री ने बात की। गुजरात में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक, तूफान से निपटने की तैयारियों पर हो रही है चर्चा। आज शाम गुजरात के तट से टकरा सकता है चक्रवाती तूफान, राज्य के तटीय इलाकों में एनडीआरएफ की टीमें मौजूद। तिरुवनंतपुरम में तूफान ताऊते का असर, उफान पर अरब सागर, लहरों ने तट के करीब निर्माण किया ध्वस्त। तूफान से बचने के लिए भगवान का भी आसरा, सिद्धि विनायक मंदिर में हो रहा है पूजा पाठ। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में ताऊते तूफान का असर, जोरदार बारिश जारी। तिप्रापु जल प्रताप का दिख रहा है असर। गुजरात के कच्छ में तूफान से तबाही की आशंका को लेकर प्रशासन ने अलर्ट, मछुआरों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। महाराष्ट्र के वाशिम में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश, अस्पताल में पानी घुसने की वजह से मरीजों को आ रही दिक्कत। वाशिम में तेज हवा के साथ कई घरों और स्कूल को पहुंचा नुकसान, टीन की छत उड़ी, फसलों को भी पहुंचा नुकसान। महाराष्ट्र के जलगांव में तूफान से ढहा पेड़ एक घर पर जा गिरा, 2 बहनों की मौके पर हुई मौत, मां गंभीर रूप से घायल। बंगाल में 2 मंत्रियों और 1 विधायक के घर, सीबीआई के छापे, टीएमसी के मंत्री फराद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी और मदन मित्रा गिरफ्तार। कोलकाता के पूर्व मेयर सोवन चैटर्जी पर भी छापा, बीजेपी में गए थे सोवन पर, टिकट नहीं मिलने पर छोड़ दी थी पार्टी। कोलकाता में छापे की कार्रवाई जारी, नारदा टेप मामले में हुई कार्रवाई, बीते साल हुआ था स्टिंग ऑपरेशन। आज ही चारों नेताओं को कोर्ट में भी पेश किया जाएगा, गिरफ्तारियों पर बंगाल की सियासत में भूचाल। नारदा टेप मामले में मुकुल रॉय का भी था नाम, सिर्फ डीएमसी नेताओं पर एक्शन को लेकर उठे सवाल।
कोलकाता में छापों पर सियासत गरमाई, ममता बनर्जी सीबीआई दफ्तर पहुंची। ममता ने छापों पर जताया विरोध, सीबीआई दफ्तर आने के बारे में सवाल पूछे जाने पर भड़की ममता। गिरफ्तारियों पर ममता का बड़ा स्टैंड, कहा अगर गिरफ्तार करना है तो सीबीआई मुझे भी गिरफ्तार करे। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने किया सीबीआई एक्शन का बचाव, कहा हाईकोर्ट के आदेश पर हो रही कार्रवाई। बीते साल मार्च में नॉर्दर्न न्यूज ने किया था स्टिंग, काम के बदले रिश्वत लेते कैमरे में कैद हुए थे टीएमसी मंत्री। श्रीनगर में आतंकियों के साथ मुठभेड़, दो आतंकी ढेर। दोनों तरफ से चली कई राउंड गोलियां, एनकाउंटर के बारे में पुलिस ने ट्वीट करके जानकारी दी, फिलहाल एक्शन जारी। केदारनाथ मंदिर के खुले कपाट, भक्तों की फिलहाल एंट्री नहीं। जय बोले जय केदार के उद्घोष के साथ सादगी से खुले कपाट, केदारपुरी सहित यात्रा पड़ावों पर दिखा सन्नाटा। मुजफ्फरनगर में टेंट हाउस में था शराब का गोदाम, छापे में हो खुलासा, भारी मात्रा में शराब बरामद। गुजरात के अमरेली में राजुला के पास महसूस किए गए भूकंप के झटके, भूकंप की तीव्रता 4.5 दर्ज की गई, धरती से 3.5 किलोमीटर नीचे था केंद्र। गोपालगंज में पिस्टल लेकर डांस का वीडियो वायरल, पुलिस कर रही जांच। बलिया में घाघरा नदी में देखे कई शव, जयप्रभा पुल से शव फेंकने का वीडियो वायरल। पुल का आधा हिस्सा यूपी और आधा हिस्सा जाता बिहार में, बलिया के एसपी ने कहा शव बिहार सीमा में मिले। उन्नाव में गांव में पहुंची मेडिकल टीमें, जांच पर जोर। यूपी के वाराणसी में कोरोना इलाज के लिए फीस लेने का आरोप, 14 अस्पतालों को नोटिस। सहारनपुर में अंबाला से बिहार जा रही फूड रिलीफ स्पेशल मालगाड़ी के 3 डिब्बे पटरी से उतरे, कई ट्रेनें प्रभावित। भरतपुर के ऑक्सीजन प्लांट में तकनीकी गड़बड़ी, बार बार रुक रही है सप्लाई, तड़प रहे मरीज। निरंजनी अखाड़े से निष्कासित संत आनंद गिरी का बयान, कहा गुरु के खिलाफ कुछ नहीं कहा। कोरोना के मामलों में तेजी से आ रही कमी, 25 दिन बाद केस 3 लाख के नीचे। दर्ज किए गए 2,81,386 नए मामले, मौतों का आंकड़ा नहीं गिरा फिर से, 4,106 लोगों ने दम तोड़ा। देश में कोरोना के कुल केस 2,49,00,000 के पार, अब तक 2,74,000 से ज्यादा की मौत। देश में एक्टिव केसेस का आंकड़ा भी गिरा, अब 35 लाख के करीब है एक्टिव मामले। देश में टीका लगाने का काम तेज, अब तक 18,29,00,000 लोगों को लगा टीका। कोरोना के इलाज के लिए नई दवा लॉन्च, राजनाथ सिंह और डॉक्टर हर्षवर्धन ने जारी की। डीआरडीओ ने विकसित की है दवा, ऑक्सीजन की जरूरत को करती है कम। पोस्टर के जरिए प्रधानमंत्री पर हमले को लेकर दिल्ली के मंगोलपुरी में भी केस दर्ज, अब तक 26 मामले। दिल्ली में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी का आरोपी नवनीत कालवड़ा गिरफ्तार, देर रात हुई गिरफ्तारी, लुकआउट नोटिस जारी था। दिल्ली पुलिस ने नवनीत कालवा को गुरुग्राम के एक फार्म हाउस से गिरफ्तार किया, आज कोर्ट में पेशी। इंदौर में दवाओं से भरे गोदाम में लगी आग, गोदाम में भारी मात्रा में रखी गई थी कोरोना वैक्सीन। दमकल कर्मियों ने गोदाम में लगी आग पर जल्द पाया काबू, वैक्सीन के नुकसान का आकलन जारी। कोरोना वैक्सीन के साथ ही गोदाम में रखी थी ब्लैक फंगस की भी दवाइयां, पानी में भीगकर दवाएं हुई खराब। गाजीपुर में लगातार 7वें दिन नदी में शवों को प्रवाहित करने पहुंचे लोग, हालांकि पुलिस ने मुनादी के साथ ही लोगों को वहां से हटाया। शमशान में बिजली और गैस शव जलाने की उठी मांग, चिता जलाने के लिए प्रशासन ने निःशुल्क मांगी जा रही मदद। मयूरभंज में कोरोना पीड़ित मृतक के अंतिम संस्कार में बरपा हंगामा, गांव वालों की पुलिस से झड़प।
कोरोना पीड़ित मृतक का गांव के करीब अंतिम संस्कार नहीं करने देने चाहते थे ग्रामीण, महिलाओं ने भी की पिटाई। लखनऊ में पुलिस की सख्ती पर भड़के युवक, मास्क नहीं पहनने पर चालान कटा तो पुलिस की पिटाई की। लखनऊ पुलिस बाद में दर्ज कर चुकी है पुलिस कर्मियों पर मारपीट का मामला, चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इंदौर में मदद के लिए आगे आया युवाओं का एक खास समूह, खुद की जमा पूंजी से किए गरीबों के लिए ऑक्सीजन के इंतजाम। जोधपुर पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया, मेडिकल उत्पाद की कालाबाजारी का मामला। वाराणसी में युवक की मौत पर अर्थी को कंधा देने के लिए नहीं मिले लोग, ट्रॉली पर रखकर निगम कर्मचारी लाए शव। महाराष्ट्र में कोरोना पीड़ित कांग्रेस सांसद राजीव सैथव का निधन, हिंगोली जिले में घर लाया गया पार्थिव शरीर। सांसद राजीव सैथव के निधन पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जताया दुख, कांग्रेस की बड़ी क्षति करार दिया। गुरुग्राम में अस्थायी अस्पताल का उद्घाटन, देवला स्टेडियम में वेदांता ग्रुप के सहयोग से बनाया गया था 100 बेड का अस्पताल। मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना का कहर जारी, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8 लोगों की मौत, 1500 नए मामले सामने आए। मध्य प्रदेश में कोरोना संकट पर वर्चुअल बैठक, सीएम ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की शिरकत। विधायक ने उठाया नेगेटिव रिपोर्ट वाले कोरोना मरीजों का मुद्दा, शिवराज ने टाला पर सिंधिया ने कलेक्टर को सुना फरमान। यूपी के झांसी में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, कार और 2 बाइक की आमने सामने हुई टक्कर, हादसे में 5 लोग घायल भी हुए, एक शख्स की हालत गंभीर, झांसी मेडिकल कॉलेज में किया गया रेफर। तरन तारण में शासकीय सम्मान के साथ एएसआई का किया गया अंतिम संस्कार, लुधियाना में तस्करों ने 2 पुलिस कर्मियों की गोली मारकर हत्या की थी। इंदौर में 16 साल की नाबालिग लड़की से गैंगरेप, 4 दोस्तों पर नशीला पदार्थ पिलाकर रेप का आरोप। रतलाम में परिजनों के मोबाइल नहीं दिलाने पर कुएं में कूदा युवक, लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाला। कानपुर में सपा विधायक का थाने में हंगामा, समर्थक का चालान होने पर काटा बवाल, पुलिस ने मास्क नहीं पहनने पर विधायक का किया था चालान। विधायक के साथ दर्जनों लोग बिना मास्क थाने में घुसे, कमिश्नर ने चालान करने वाले दरोगा को दिया इनाम। हुगली में महिला की संदिग्ध मौत के बाद हंगामा, डीएम के घर पर किया घेराव। दहेज के लिए मारने का ससुराल वालों पर आरोप, युवती के शरीर पर थे जख्म। लखनऊ में नाबालिग लड़की से छेड़खानी के बाद 2 पक्षों में भिड़ंत, 3 लोग गिरफ्तार। इजराइल और फलस्तीन में झड़प को 1 हफ्ता पूरा, हमास की सुरंगों और रॉकेट लॉन्चर्स को बनाया गया निशाना। इजराइल ने गाजा शहर पर किए ताजा हवाई हमले, इजराइल ने जारी किया हमले का वीडियो। शेख जरा में इजरायली पुलिस पर हमला, कार से 6 को रौंदा, पुलिस ने कार ड्राइवर को मारी गोली। फिलिस्तीन के समर्थन में सीरिया में प्रदर्शन, दमास में सड़कों पर उतरे लोग। मिस्र में फिलिस्तीनी लोगों की मदद की, मेडिकल सहायता के लिए राफा बॉर्डर खोला गया।